सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोलकाता का ये जो अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का, वो कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं एयरपोर्ट में, कितने टर्मिनल हैं, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दमदम में स्थित है, और एयरपोर्ट नॉर्थन अगर आप बात करें वेस्ट बंगाल के लिए, तो एक ऐसा मात्र एयरपोर्ट है जहाँ पे हजारों की संख्या में हर रोज लोग ट्रैवल करते हैं। ये देख सकते हैं एंट्री गेट, जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग गेट है जहाँ से अधिकतर जो है टर्मिनल वन से आपको एंट्री मिलेगी, और यहाँ पे देख सकते हैं 2A 2B इस तरीके से गेट बनी हुई है, तो अलग अलग गेट में आप एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले आप एंट्री लेंगे, और यहाँ का कोलकाता का हम आपको बता दें जो कि एयरपोर्ट का कोड है CCU। जब भी आप सर्च करेंगे, टिकट बुक करेंगे आप फ्लाइट का, तो CCU आप शॉर्ट में लिखेंगे तो कोलकाता का आ जाएगा, जो कि अलग अलग यहाँ पे हब है एयर एशिया इंडिया या फिर एयरलाइंस एयर या फिर गो फास्ट, गो एयर, स्पाइस जेट, इस तरीके से अलग अलग जो हैं जो लगातार यहाँ पे अलग अलग फ्लाइट जो है आती रहती है। ये सबसे पुराना एयरपोर्ट भी माना जाता है, चूँकि 1924 में इसे ओपन किया गया था, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो जब भी आप जाएंगे टर्मिनल वन जहाँ से आप एंट्री लेंगे, सबसे पहले आपका चेक इन होगा बैग वगैरह, उसके बाद आप स्कैन करने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर जिस तरीके से आपका अगर आप पहले से बोर्डिंग पास ले लिए हैं तो आपको यहाँ पे चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देन अगर आप पहले से नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा। तो देख सकते हैं टैक्सी वगैरह अवेलेबल हमेशा रहती है, हमेशा यहाँ पे लोगों की जनसंख्या काफ़ी होती है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ से सिटी की बात करें तो 15 किलोमीटर की रेंज पे है, जो कि यहाँ से आप कोलकाता सिटी जा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो स्क्रीन लगा हुआ उसके सहारे आप देख सकते हैं कौन सा एयरलाइंस किधर आ रहा है, तो उस तरीके से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ ये ट्रेनें आ रही हैं, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। भारत के पाँचवा व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है, और हवाई अड्डा सालाना 2 करोड़ यात्रियों को यहाँ से जो है आना जाना करते हैं लोग, और काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी में आप जा सकते हैं, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि टर्मिनल 1, 2 जो है वो 6 मंजिलों का बना हुआ है, जहाँ पे आप एंट्री लेंगे और एग्जिट जब आप आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लाइट में उतरेंगे तो बहुत सारी बसें मिलेंगी, उसके सारा फिर आप एग्जिट हो सकते हैं, और एग्जिट होंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी मिलेगी। तो ये फ्लाइट का नज़ारा है, जब आप जाएंगे उसके बाद जहाँ पे जौन सा एरिया में आपका फ्लाइट लग रही है वहाँ के लिए आपको अवेलेबल यहाँ पे बस मिल जाएगी, बस के सहारे आप जा सकते हैं। और पूरी तरीके से जो है अलग अलग टर्मिनल बनाया गया है, तो जो टर्मिनल 2 है वहाँ पे एयर एशिया, एयर इंडिया, भूटान विमान, बांग्लादेश, इस तरीके से अलग अलग जो कंपनी के एयरलाइंस है वो यहाँ पे आती हैं, तो उसके सारे आप जा सकते हैं। टर्मिनल 1 में बहुत सारी आती हैं, तो वो आपको देखना होगा कौन सा आप किस जगह पे जा रहे हैं, उस तरीके से वो टर्मिनल में आपको वहाँ पर जाके फ्लाइट लेना है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग दुकानें बने हुए हैं, तो यहाँ पे 25-30 से ज़्यादा खाने के लिए विकल्प है, दुकान है जो कि आप खा पी सकते हैं, बार है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ अंदर में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे फास्ट फूड एंड ऑल दिस आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ पे भोजन की कोई भी दिक्कत नहीं है, अंदर में पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया, फूड कोर्ट बनाया गया है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे लोग जो आपको दिख रहा है वो खाते हैं। जब आप यहाँ पे कोलकाता हवाई अड्डे में कई अन्य देश से आते हैं तो जैसे ही आप निकलेंगे तो आपको सामने ही मिल जाएगा जहाँ पे आप पैसा चेंज कर सकते हैं, अपना करेंसी जो है वो आप इंडिया रुपीज़ में बदल सकते हैं अगर आप दूसरे देश से आ रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर लगा हुआ है। जब कभी भी आप आ रहे हैं और आपको थोड़ी देर रुकना पड़े या इंतज़ार करना पड़े तो आपको बता दें कि रात भर यहाँ पे रुकने के लिए या दिन में रुकने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे तो आप एयरपोर्ट में बिता सकते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पे 2-4 घंटे के लिए होटल भी ले सकते हैं। होटल की सुविधा आपको 500 से लेकर 5000, 10000, 20000, 50000 जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आपको एयरपोर्ट के नज़दीक ही आपको होटल मिल जाएगी बहुत सारा, जहां पे अलग अलग होटल हैं और अलग अलग रेंज का आप यहां पे रुक सकते हैं।
30 से भी ज़्यादा होटल जो कि नियरेस्ट में है, जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके नज़दीक में, तो आप कभी भी घूम सकते हैं। अगर आप हवाई अड्डे के आसपास घूमने की बात करें तो यहाँ से हावड़ा ब्रिज आप जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। उन सभी जगह पे आप घूम सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। तो ये पूरा वीडियो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका कोड है CCU। जब भी एयरपोर्ट में आप सर्च करेंगे CCU तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही अंदर जाएंगे, एस्केलेटर लगा हुआ है जगह जगह पे। अंदर जाने के बाद आपको बैठने की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे आप पूरी तरीके से इंतज़ार कर सकते हैं। जो भी आपके साथ जाएंगे, आप देख सकते हैं ये गेट है, गेट के अंदर उसको जाने नहीं दिया जाएगा, गेट के बाहर ही वो रहेंगे और सिर्फ जिनका टिकट है वही अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद अलग अलग फ्लाइट जो है अलग अलग पार्किंग में रहते हैं, जहाँ पे आप अलग जो भी आपका जिस जगह पे बोर्डिंग पास मिलेगा वहाँ पे बताया जाएगा कौन सा फ्लाइट किस पार्किंग स्थल पे लग रहा है, उस जगह पे फिर आप बैठ के जा सकते हैं। पूरी बलाकी पूरी जो है चेक होता है आपका सामान वगैरह, और फिर अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो ये बेल्ट आपको नज़र आ रहा था, उस बेल्ट में आपका सामान आता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये ट्रॉली भी रखा हुआ रहता है जिसके सहारे आप सामान को अंदर ले जा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है तो। गेट 6 नंबर 4 नंबर 5 नंबर अंदर में भी अलग अलग गेट हैं, अलग अलग गेट से आप एंट्री ले सकते हैं और जहाँ आपका फ्लाइट लगा वहाँ पे आप जा सकते हैं। बाहर में टर्मिनल में आप देखिए तो इस तरीके से आपका मिलेगा। तो एस्केलेटर हर एक जगह लगी हुई है, इस तरीके से आप सीढ़ी लगा हुआ है जहाँ पे आप अलग अलग फ्लोर में जा सकते हैं। जिस फ्लोर में आपका फ्लाइट आ रही है उस फ्लोर में जाके आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों कोलकाता एयरपोर्ट का, जो कि बीजी शहरों में और बीजी एयरपोर्ट में एक माना जाता है प्रमुख 5 में। और आप देख सकते हैं अलग अलग फ्लाइटें हैं, जो विस्तारा का हो या फिर गो एयर गो का हो या फिर जो भी हो, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इंडिगो का हो या किसी भी एयरलाइंस का, अधिकतर एयरलाइंस यहाँ से चलती है। तो यहाँ से अगर दिल्ली के लिए आप फ्लाइट लेते हैं तो तकरीबन 5000 कुछ रुपए पड़ते हैं। फ्लाइट का जब भी टिकट कराएं तो पहले कराएं 1-2 मंथ पहले, ताकि आपका कम रेंज में पड़ेगा। जितना आप नज़दीक कराएंगे उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये पूरा अद्भुत नज़ारा है दमदम एयरपोर्ट, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के नाम से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से फेमस है। कोलकाता एयरपोर्ट कहते हैं, जिसका एयरपोर्ट कोड है CCU। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें ऐसे ही अलग अलग जगह का वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि इसकी उड़ान की पट्टी की लंबाई जो है 11,900 फीट है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।